उत्तर प्रदेश में खराब स्वास्थ्य व्यवस्थाओं और अस्पतालों की लापरवाही लगातार देखने को मिल रही है। मानवीय संवेदना को तार तार कर देने वाली ऐसी ही एक घटना महाराजगंज से सामने आई है, जहां सड़क हादसे में घायल तड़पता रहा, लेकिन सूचना देने के बाद भी सरकारी एम्बुलेंस मौके पर नहीं पहुंची, जिससे गंभीर रूप से घायल योगेंद्र को परिजनों ने किसी तरह ठेले पर लादकर नजदीकी अस्पताल पहुंचाया। ये पूरा मामला 20 जुलाई का बताया जा रहा है। वहीं इस पूरे मामले का किसी ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद अधिकारी अब जांच की बात कह रहे हैं। बता दें कि योगेंद्र कोलवी महाराजगंज में गोरखपुर मार्ग पर एक होटल में काम करता था। रोजाना की तरह गुरुवार की रात काम से वापस लौट रहा था, तभी अचानक तेज रफ्तार से आ रही बाइक ने ठोकर मार दी। मांग कर रहा हूं, लेकिन यहां के जो अधिकारी चिकित्सक महोदय या जनप्रतिनिधि हैं, सुन नहीं रहे हैं। ये ठेले पे ले जाना पड़ा है। जल्द से जल्द कोल्ही में एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाए, नहीं तो आवे दिन ऐसे मरीजों का हाल रहेगा। और ये कोल्ही बाजार का हाल, एम्बुलेंस ना होने की वजह से मरीज को ठेले पे ले जाना पड़ा। एक्सीडेंट के हालत, 2 घंटा हो गया एम्बुलेंस नहीं आए। आज विगत हम साल आदित्य जी उनसे हुई है, उसमें उन्होंने बताया कि 4 एम्बुलेंस लगी हुई थी। आज जब ये लोग फोन किए तो 4 एम्बुलेंस हमारी ऑन रोड थी, मरीज को लेके अस्पताल जा रही थी। तो जब एम्बुलेंस पहुंची है तब तक ये लोग ठेले पे लाद चुके थे, और मतलब वो एम्बुलेंस खड़ी थी लेकिन ये लोग ठेले से लेके चल रही है। तो उन्होंने उनसे भी एक्सप्लेनेशन मांगा गया है, अभी वो एक्सप्लेनेशन लेके आते हैं, उसका इश्यू क्लियर हो गया।